drop a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, day. Hit her with the script like work. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स, बजे हुए इसमें 8:30, लेकिन ये जो है घड़ी चल ही नहीं रही। मैंने अभी देखा है ये घड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है। और अभी टाइमिंग शायद हुआ हो 10:30, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 10 बजा था, तो अब 10:30 बजे होंगे। मुझे फ़ोन में ही देखना पड़ेगा। तो अभी मैं 10 बजे अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, आज है मंडे, तो मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो चाय मैंने पी लिया है। आप लोगों ने आगे क्लिप में देखा होगा। और खाना भी बन गया था बच्चों के लिए सुबह ही, क्योंकि स्कूल जाते हैं वो लोग तो सुबह ही बन जाता है। और फिर मैंने चाय वगैरह पी लिया था। और अभी मैं फिर कोई काम ही नहीं रहता दोपहर में, अभी कोई काम नहीं है। और वीडियो भी अभी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है, अभी देखते हैं कितने बजे। अभी पब्लिक नहीं किया है, अपलोड हो गया है और पब्लिक नहीं किया है अभी। तो अभी मैं पब्लिक करती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो। तो मिलती हूँ आप लोगों से ही थोड़ी देर में। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, शगुन का सारा जो ये सामान है इसी में रखा रहता है, क्योंकि जो है यहाँ पे ड्राइंग करती है तो उसका सामान इसी में रहता है। हम लोग हटाते भी नहीं है इसको, नहीं तो फिर वो ढूंढती रहती है। तो यहीं पे एक कॉर्नर पे, एकदम कोने पे अपना ये देख लीजिए लगाया है, ये देख लीजिए। तो इसी में बैठ के बनाया करती है। और इधर ये देख लीजिए, भैया ने उसकी जो है आर्ट की कॉपियाँ वगैरह नीचे डाल दी हैं। तो अभी मैं इनको उठा के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि वहीं पर रहेंगे सही रहेगा। और ये देख लीजिए, इधर थोड़ी सी बुक्स वगैरह इधर पड़ी हैं। और बस सिर्फ ये आर्ट का ही पूरा सामान है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वो आर्ट करती है और उसको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक भी है। और यहाँ से बैठ के वो टीवी भी देख सकती है, देख लीजिए, टीवी भी देखती जाती है और अपना आर्ट का काम यानी कि आर्ट भी बनाती जाती है। तो अभी मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि भैया ने भी किया था इसमें थोड़ा बहुत, वो भी कभी कभी करता है, उसको पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग कहते हैं कि किया करो जिससे प्रैक्टिस हुआ करे, उसको भी आ जाए सही से। तो कभी कभी करता है, तो कल वो कर रहा था, तो यहाँ ये देख लीजिए नीचे फेंक दिया है। तो अभी मैं उठा के रख देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, दोपहर के 12 बजे थे कि बहुत तेज़ से मतलब आंधी शुरू हो गई है। और आप लोग देख ही सकते हैं हवा बहुत तेज़ से चल रही है। और मैंने थोड़ा सा यानी कि कैप्चर कर लिया था। और ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर तक भी आ रही है। और देख लीजिए आप, रफ्तार ही बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ है आंधी तूफान आ रहा है। और मैंने थोड़ा सा बना लिया था कि आप लोगों को दिखा देते कि हर जगह आया है, ऐसा नहीं है कि किसी को बताना है, हर जगह ही आया है। लखनऊ में तो बहुत, यानी लखनऊ का मुझे हम लोग को पता है और दूसरी जगह का नहीं पता, लेकिन और अंधेरा भी छा गया था एकदम से। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देख लीजिए अंधेरा ही अंधेरा भी तुरंत हो गया है पूरे घर पे, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा। और लाइट भी कट हो गई थी, तो इसी चक्कर से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, डर भी लग रहा था। और ये देख लीजिए, अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैंने बाहर का थोड़ा सा दिखाया, अब दिख ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देते हैं। और देख लीजिए, बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और ये देख लीजिए, आंगन में भी मैंने बाल्टी वगैरह रख दिया, क्योंकि ऊपर टीन है रखी है, तो उसी से नीचे टपकता है पानी, तो मैंने कहा बाल्टी में भर जाएगा। और अंधेरा ही अंधेरा, ये देख लीजिए कितना ज़्यादा अंधेरा है घर में। तो कुछ कहने के बाद में, और कोई मेरे घर पे था भी नहीं, मैं सिर्फ अकेली थी। और ये देख लीजिए, बारिश हो रही, इतनी तेज़ हुई थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई है, और थोड़ा बहुत हाँ हल्का सा और तेज़ हुई होगी, उसके बाद तो नहीं। और ये देख लीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अंधेरा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा पहले था, और अभी थोड़ा वीडियो यानी कि क्लियर भी दिख रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ज़्यादा बारिश हो रही है,
अब तो मौसम थोड़ा साफ भी हुआ है। फूलों को पानी मिला जा रहा है, पेड़ों को, पौधों को, यानी कि मनी प्लांट में पानी बहुत अच्छी तरह से और उधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है, मतलब और इधर आ रही है बहुत सारे। तो मैं जा रही हूँ अंदर से और पानी आ रहा है सीधे फोन में ही मेरे पड़ रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। और देख लीजिए आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है बारिश की। और ये बाल्टियाँ मैंने रख दिया है, उसमें पानी भर जाएगा और गमले में ही डालने के लिए हो जाएगा, जितने सारे अभी यहाँ पे जहाँ पे जैसे ये वाले इन वाले गमलों में जो है पानी नहीं जा पाता है, तो वहाँ पे यही वाला पानी मैं डाल दूँगी और बारिश का भी हो जाएगा। तो आप लोग मेरी आवाज़ कम, बारिश की ज़्यादा सुनाई पड़ रही होगी। तो अभी मैं फ़ोन को करती हूँ बंद और बताएंगे कि कितनी ज़्यादा देर तक बारिश हुई। और अभी मैं हो गई हूँ एकदम अलग और अकेली, क्योंकि बच्चे गए दादी के घर, उनके पापा भी दादी के घर गए और मैं यहाँ बारिश में फंस गई हूँ अकेले अपने घर में अंधेरे में। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था कि डर भी लग रहा था और कोई भी नहीं है, ना तो बच्चे हैं ना तो उनके पापा हैं, सभी लोग यानी मम्मी के घर गए हैं। और बारिश इधर स्टार्ट हो गई है, मुझे पहले नहीं पता था कि बारिश होगी, अचानक से बारिश आई है तो और डर भी लग रहा है। तो अकेले में हूँ और मैं फंस गई हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं बारिश में अकेली क्या करूँ। और अंधेरा इतना ज़्यादा लग रहा है कि डर बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाते हैं बैठेंगे जाके, क्या कर सकते हैं। और अकेले हो भी अंधेरे में फंस गए, लाइट भी कट गई, क्या कर सकते हैं, फंस गई। आज मैं पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अकेले फंसी हूँ और इतना ज़्यादा डर लग रहा है मेरे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पानी जो है बंद हो गया है, एक आधे घंटे यहाँ लगातार हुई होगी बारिश, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई हाँ, लेकिन आंधी तूफान के साथ ही हुई बारिश। और अभी जो है एकदम बंद हो गई है, हल्की फुल्की बूंदें ही होंगी, ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत कम है। और ये देख लीजिए अब भी पूरा बंद, और पूरा मेरा घर भीगा भी नहीं है, ये देख लीजिए बस आंगन आंगन इतना भीगा है। और पेड़ भी देख लीजिए सींच गए हैं बहुत आराम से, मतलब पानी पेड़ों में पड़ गया है। और ये देख लीजिए, और हवा अभी भी चल रही है, हवा चल रही है तेज। और पता है आज मैं एक भाभी से बात कर रही थी, पहले मैं उनको दीदी बोलती थी, लेकिन आज से मैंने उनको भाभी बना दिया, भाभी भैया, उनको भाभी कहेंगे और उनके हस्बैंड को जो है भैया कहेंगे। और मैं अपनी भाभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, मेरी दो भाभी हैं, मेरी दो भाभी हैं और तीसरी भाभी भी आ गई, तो आप लोगों की जगह लेने के लिए वो भाभी आ गई, ख्वाहिशें यानी कि सुमन भाभी मेरी आ गई एक, तो आप लोगों से टक्कर लेने के लिए एक भाभी और आ गई है, तो आप लोग ज़रा बच के रहिएगा। यानी मेरी दो भाभी हैं, दोनों भाभियों के लिए बोल रही हूँ, दो भाभी वो और सुमन भाभी, तीन भाभी मेरी हो गई हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा, ज़्यादा मुझसे पंगा मत लीजिएगा, वरना सुमन भाभी से आपकी शिकायत लगाएंगे और वो जो है नहीं तो फिर सुमन भाभी आपके बीच में आ जाएंगी, तो आप लोगों का पत्ता साफ, क्योंकि मुझसे नहीं नखरे दिखाने का, सुमन भाभी है ना तो नखरे नहीं दिखाने का। तो मैं भाभी लोग से बोल रही थी कि आज से मेरी तीन भाभी हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारी भाभियां हैं, लेकिन जो मेहमानी हूँ तो भाभी और मेरी यूट्यूब फैमिली की भाभी हैं वो, यानी कि यूट्यूब से मुझे मिली हैं, यानी कि यूट्यूब सुमन भाभी जो है मुझे यूट्यूब फैमिली से मिली हैं, यूट्यूब की मेरी भाभी हैं, और तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे भी मेरी भाभी हैं, तो मैं ज़्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ अब। तो सुमन भाभी दी निकलता है, मैं अभी तक दी बोलती थी, तो सुमन भाभी आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में, आप एकदम फैमिली मेंबर की तरह मुझसे बात करती हैं। और अब मैं अभी यहीं पे लेटी थी और यहीं से फिर मैंने कहा वीडियो शूट कर देते हैं, अच्छा लगा, खुश थी मैं, तो मैंने कहा शूट कर देते हैं, बाय बाय।